देवघर देवीपुर प्रखंड के हुसैनाबाद के रहबाद गांव के 3 बच्चे की तालाब में डूब जाने से मौत हो गई। अभिभावकों ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय रहबाद में बच्चे पढ़ने गए थे। तीनों बच्चे शाहिद, आबिद और ननकू विद्यालय पढ़ने के क्रम में विद्यालय के निकट तालाब में बच्चों को नहाते देखा। ये लोग भी वहाँ नहाने चले गए, जहाँ पर उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विद्यालय के शिक्षक की लापरवाही के कारण बच्चे तालाब की ओर गए थे, जहां शोरगुल होने के बाद बच्चों का शव तालाब में तैरते हुए देखा गया। आनन फानन में दोनों बच्चों को देवघर सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं दोनों बच्चों की डूबने से मौत पर अब सवाल विद्यालय प्रबंधन पर खड़ा हो रहा है कि बच्चे तालाब की ओर क्यों गए थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। में ये बच्चा लोग घर हुआ हमारे गांव का है, पड़ोसी वो काम किया। हाँ, कोई तरह से बचाने के लिए हम लोग जल्दी जल्दी लेके आए। कहाँ गया था नहाने? लोग नहाने नहीं गया था, पढ़ने गया था स्कूल। स्कूल के लिए ना, यही सब मतलब गांव का है। वही झारखंड सरकार के मंत्री राज पलिवर ने कहा कि गलती किसकी है ये जल्द से जल्द पता लगाया जाएगा और पुलिस इसकी कार्रवाई जल्द से जल्द पूरा करेगी। देखिए अभी हम रहवाद गांव में आए हैं। यहाँ अभी हमें एक दुखद समाचार मिला कि 3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, तालाब में डूबने के क्रम में मृत्यु हो गई। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। वैसे घटना घट गई, घटना दुखद है। सरकार के द्वारा मिलने वाले जितने प्रकार के सहयोग हैं वह सहयोग मैं प्रदान करवाऊँगा इन घटित परिवार के लोगों को। लेकिन घटना जिस जगह पे घटी है, जिस तालाब के बारे में लोग जिक्र कर रहे हैं, मैं खुद उस तालाब के समीप गया था। तालाब और स्कूल, जिस स्कूल में वो बच्चे की पढ़ने की बात ग्रामीण कर रहे हैं या आमने सामने हैं,